Hello students, welcome to Study Room. Today we are going to learn how to find product of any two numbers by using log. And for that purpose, we need one of the properties of log, which is log mn, log mn is equals to log of m plus log of n. Here we are doing multiplication of mn, so log of mn will be equals to log m plus log n. Okay, so now let's take one simple example of it. So main kya lu, chalo 23.42 multiplied by 5.123. Okay, 5.123. So first step is take a log. Okay, so log of 23.42 into 5.123. We can write it as a log of 23.42 plus log of 5.123. Let's quickly find value of log 23.42 and log 5.123. So for that we will use a logarithm table. Okay, so pehle log 23.42 ki value find out karte hain. So log 23.42, to pehle hamara characteristics kya hoga, to decimal ke pehle do digits hai, to 2 minus 1 characteristics 1 ho jayega. So 1 to main characteristics yahan pe likh sakta hu, baad mein fir baad mein menti sa find out karenge. तो 23.42, सो उसका मेंटी सी मेंटी सा मेरा हो जाएगा ओके 3696. इन द सिमिलर मैनर वी विल फाइंड द लॉग वैल्यू ऑफ 5.123. सो लॉग वैल्यू ऑफ 5.123, मेंटी सा तो जीरो हो जाएगा मेरा, एंड बचा 5.123. ओके, तो वो 50 and 270, and yeah, okay, 0.7096. अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट की अगर आपको वो नहीं पता होगा तो डोंट वरी, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना के रखी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर यहाँ पे आई बटन पे भी लिंक कर दूंगा उसको, प्लीज देख लीजिए, तभी आपको ये पता चलेगा कि ये वैल्यूज कैसे मैंने फाइंड आउट किए. तो अब बचा क्या, बस ऐड कर दो. तो ऐड करना है 1.3696 प्लस 0.7096 को. तो चलो इसको 1.3696 प्लस कितना करना है हमें, 0.7096. तो ये ऊपर, ये मेरा ये 7 हो गया, ये चलो, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई 2.0792. वैल्यू क्या मिली है मुझे, इस एडिशन का वैल्यू मुझे मिला हुआ है 2.0792. ये वैल्यू मुझे मिल गई है. बट 23.42 मल्टीप्लाइड बाय 5.123 का आंसर 2.0792, ये तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये वैल्यू आनी. दैट मींस ये तो वैल्यू रॉन्ग है, राइट नहीं, ये वैल्यू राइट है, बट ये वैल्यू कौन से फॉर्म में है, तो ये वैल्यू मेरी लॉग वैल्यू है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट बैक टू ट्रू वैल्यू. तो लॉग वैल्यू को ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सिंपली उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा. लॉग का उल्टा क्या होता है, एंटी लॉग. सो बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 2.0792 वी विल फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस टू वैल्यूज, राइट. सो लेट्स टेक एंटी लॉग ऑफ दिस 2.0792. सो एल ऑफ 2.0792, अब इसमें तो ये 10 दी पावर डेसिमल के पहले 2 है, तो उसको मैं साइड में लिख दूंगा. अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0.0792 का एंटी लॉग से. सो एंटी लॉग के लिए हम लोग एंटी लॉगरिथम टेबल यूज करेंगे. वहां पे 0.792 की वैल्यूज
0.79 यहाँ पे मिल गया है मुझे एंड नाइन ओके ठीक है एंड टू वन ओके 1 2 1 2 0 1 और 1 2 0 1 ये वैल्यू इसकी वैल्यू 1 2 0 1 मुझे मिल गई एंड इसके पीछे फर्स्ट डिजिट के बाद हमें क्या देना होता है डेसिमल पॉइंट देना होता है सो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 120.1 ओके 120.1 अब ये हुआ मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 23.42 मल्टीप्लाइड बाय 5.123 इसकी ये जो वैल्यू है हमारी ये 120.1 आती है ओके अब अगेन एंटी लॉग कैसे निकालना है ये आपको नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड एंटी लॉगरिथम वैल्यू ऑफ एंटी लॉगरिथम बेसिकली ओके सो वो भी चेकआउट कर लीजिए मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा ठीक है तो वो भी मस्ट है सीखने के लिए कि एंटी लॉग कैसे आता है अब ये तो छोटे से एग्जाम्पल चलो ठीक है अब कैलकुलेटर से भी देखते हैं हम लोग की वैल्यू आती है या नहीं तो कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके तो वो समथिंग वैल्यू 199.8 समथिंग आती है 120.1 नहीं आती तो एज वी नो दैट कि लॉग से जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या होती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है राइट वो परफेक्ट वैल्यूज नहीं होती स्टिल 199.8 समथिंग मतलब वो क्लोज मतलब बहुत ज्यादा क्लोज 120.1 से हुआ है राइट सो दिस इज आर करेक्ट वैल्यू और बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स दैट इज 120.1 ओके सो अब यहाँ पे तो मैंने ये बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लिया बहुत इजी एग्जांपल ये इसमें दो डिजिट्स है अभी यहाँ पे तीन डिजिट्स बोल रहा हूँ मैं तीन नंबर्स होंगे लाइक ये एक नंबर तो उस केस में हम क्या करेंगे तो उस केस में सिंपल है उन तीनों नंबर पे लॉग अप्लाई कर दो तीनों नंबर का लॉग ऐसे सेपरेटली फिर और एक नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा फिर उनका पर्टिकुलर अपना अपना लॉग नंबर वैल्यू फाइंड आउट करो तीनों को ऐड कर दो एक आंसर मिलेगा फिर उस आंसर का डायरेक्टली एंटी लॉग ले लो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा ओके तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग अ लॉग अब जो हमारा ट्रेडिशनल वे है मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा उससे बेटर फास्ट ये सारे नंबर्स फाइंड आउट कर लो और आंसर आपके सामने मल्टीप्लीकेशन करने से अच्छा एडिशन होगा और इजी भी होगा तो इसके लिए लॉग बहुत इजी होता है हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू दिस वीडियो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग